तो जैसा कि दोस्तों होंडा की नई 7-सीटर एमपीवी फिट अब होने जा रही है भारतीय बाजार में लॉन्च, तो चलिए जानते हैं कब तक होगी लॉन्च। तो जैसे कि दोस्तों न्यूज के मुताबिक बताया जा रहा है कि टोयोटा कंपनी को भारी टक्कर देने के लिए होंडा की फिट कुछ टाइम बाद मार्केट में हम सभी को दिखाई देने वाली है। होंडा दुनिया में सफल अपने एमपीवी फिट को साल 2020 में ही हम सभी के लिए लॉन्च करेगी। दोस्तों इंजन की बात करें तो होंडा की इस नई 7-सीटर एमपीवी के दो वेरिएंट भारतीय बाजार में उतारे जाएंगे। पहला वेरिएंट है 1.5 लीटर का डीसी डीजल इंजन, दूसरा होगा 1.5 लीटर का वीटीसी पेट्रोल इंजन। शानदार माइलेज के लिए दोस्तों ये दोनों ही इंजन जाने जाते हैं। एक अलग तरह के स्टाइलिश के साथ भरपूर जगह वाली एमपीवी की मांग करने वाले युवाओं को लुभाने के लिए फ्रीडम का एक स्पोर्टी वेरिएंट भी भारतीय बाजार में हम सभी के लिए लॉन्च करा जाएगा। दोस्तों इसका जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है उसको होंडा ने अपनी थीम टेक्नोलॉजी पर आधारित किया है, जो कि आपको 100 PSP की पावर और 3600 RPM पे अधिकतम क्षमता प्राप्त करता है और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करके 1750 RPM की अधिकतम पावर देता है। माइलेज की बात करें तो दोस्तों 1.5 लीटर का डीजल इंजन आपको 24.2 किमी प्रति लीटर की माइलेज आराम से दे पाता है। और बताना चाहूंगा दोस्तों ये कार आपको 5-स्पीड मैनुअली व ट्रांसमिशन दोनों ही विकल्पों के साथ मार्केट में उतारी जाएगी। दोस्तों वहीं इसके पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो वो आपको 1.5 लीटर का VTI पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 119 PSP की पावर और 3600 RPM पे अधिकतम क्षमता प्राप्त करता है और 145 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट करता है और 4600 RPM पर अधिकतम टॉर्क प्राप्त करता है। अगर दोस्तों इसके माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज दोस्तों आपको 17.3 किमी प्रति लीटर का माइलेज प्रदान करेगी। ये 5-स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन दोनों ही विकल्पों में भी आएगी। दोस्तों अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो होंडा ने अपने इस 7-सीटर एमपीवी के अंदर सबसे ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा है। इसके अंदर दोस्तों 7 पैसेंजरों के लिए 7 एयरबैग्स का इस्तेमाल किया गया है और बताना चाहूंगा अचानक से ब्रेक लगाने पर व्हील लॉक करने की रोकने वाली सुविधा, यानी इसको कहते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की सुविधा भी इसमें मौजूद करवाई गई है। और दोस्तों ब्रेक लगाने की सुविधा को बढ़ाने वाली स्थिति में इसके अंदर EBD का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इस 7-सीटर एमपीवी के अंदर आपको 12 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सुविधा के साथ आएगा। साथ ही साथ दोस्तों रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जैसी अन्य सुविधा इस एमपीवी के अंदर उपलब्ध करवाई गई है। दोस्तों बारी आती है कीमत की, तो कीमत की बात कर ली जाए तो दोस्तों भारतीय बाजार में मध्यवर्गीय परिवारों को देखते हुए होंडा ने इस 7-सीटर एमपीवी कार की कीमत भी काफी अच्छी रखी है, जिसको एक आम इंसान अफोर्ड कर सकता है। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये एमपीवी काफी तहलका मचाने वाली है और रेनॉल्ट टाइगर को भी बहुत टक्कर देने वाली है। इसकी स्टार्टिंग कीमत दोस्तों भारतीय बाजार में पेट्रोल वेरिएंट की मात्र 5.30 लाख रुपीस से होती है। अगर इसके डीजल वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों उसकी कीमत 6.70 लाख रुपीस तक जाती है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भारतीय बाजार में दो वेरिएंट पे ये हम सभी के लिए उतारी जाएगी और बाद में दोस्तों एक इसका स्पोर्टी वेरिएंट भी आएगा युवाओं को देखते हुए। तो अपनी राय दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये नई एमपीवी आप सभी को कैसी लगी, जो कि जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है। और वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेगा।